बारे में आपको समझाने वाला हूँ कि रोजिन पेस्ट जो होता है, जो हमारे मोबाइल फोन में शॉर्टिंग को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, इस पेस्ट का इस्तेमाल होता है सिर्फ ओनली मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग को दूर करना। अगर हमारे फोन के अंदर शॉर्टिंग हो जाती है, क्या हो जाती है? शॉर्टिंग हो जाती है। शॉर्टिंग होने से क्या होता है, हमारा पूरा मोबाइल फोन डेड हो जाता है। लेकिन एक रोजिन पेस्ट ऐसा बना हुआ है जिसके द्वारा हम मोबाइल फोन के अंदर बहुत आसानी से शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। सिर्फ एक मिनट के अंदर शॉर्टिंग आसानी से निकल जाती है। लेकिन ये कोई 100% सक्सेस तरीका नहीं है कि 100% सक्सेस हो, लेकिन बस होता है ये कि रिपेयरिंग के लिए हम इस लोग इसे ही यूज़ करते हैं कि शॉर्टिंग को दूर करने के लिए। और जो शॉर्टिंग चेक करने का तरीका रहता है वो तो प्रॉपर मल्टीमीटर होता है कि मल्टीमीटर या डीसी सप्लाई मशीन से ही हम शॉर्टिंग को प्रॉपर चेक कर सकते हैं। अगर रोजिन पेस्ट से शॉर्टिंग नहीं दूरी होती तो फिर आपको मल्टीमीटर या डीसी सप्लाई मशीन से उसे चेक करना पड़ेगा। ये देखिए, येलो कलर का रोजिन पेस्ट आता है, ये मार्केट में 20 से 30 रुपये 40 रुपये का पेस्ट मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। जो रिपेयरिंग करने वाले जो टूल्स वगैरह बेचते हैं उनके पास ये पेस्ट मिल जाता है। आप ला करके इस पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं और इससे शॉर्टिंग को दूर कर सकते हैं। मैं आपको आज करके दिखाऊंगा, शॉर्टिंग को दूर करके दिखाऊंगा, इसका यूज़ करने का तरीका मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा। इस पेस्ट को क्या होता है, ये येलो कलर का पेस्ट आता है, टाइट होता है, पत्थर टाइप में ऐसा बना होता है। लेकिन जब आप आयरन करते हैं तो ये क्या होता है, पिघल जाता है। जब आयरन जब पिघल जाता है तो क्या होता है, इससे क्या होता है, फॉग जनरेट होता है। फॉग का मतलब क्या होता है, धुआं। व्हाइट कलर का फॉग जनरेट होता है। जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर ये बोर्ड है, अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं पीसीबी। क्या बोलते हैं? पीसीबी। पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन के अंदर ये बोर्ड पाया जाता है। इस बोर्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर की आईसी लगी होती है। अगर मैं आपको पीसीबी को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल समझाता हूँ कि जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर ये बोर्ड होता है, ये बोर्ड के अंदर तीन अलग अलग तरह के कैटेगरी में डिफाइन होता है। या तो बोर्ड में लगे होते हैं कंपोनेंट, या तो बोर्ड में लगे होते हैं जेट, या तो आपके बोर्ड में लगे होते हैं आईसी। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारे कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर आपके जैक के कैटेगरी में जैसे सिम जैक हो गया, मेमोरी जैक हो गया, बैटरी कनेक्टर हो गया, चार्जिंग जैक हो गया, हैंडफ्री जैक हो गया, ये सारे जैक के कैटेगरी में आ जाते हैं। पावर आईसी हो गए, सीपीयू आईसी हो गए, फ्लैश आईसी हो गए, एमएमसी आईसी हो गए, ये सारे हमारे मोबाइल फोन में आईसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये जैसे ब्लैक कलर के लगे हुए, ये आपके मोबाइल फोन में क्या लगे हुए हैं, आईसी लगे हुए हैं। और ये जो छोटे छोटे लगे होते हैं ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट। और ये जैसे प्लास्टिक के लगे हुए, जैसे चार्जिंग जैक, हैंडफ्री जैक, सिम जैक, ये सारे मिल करके पूरा बोर्ड बनता है। अगर आपको बोर्ड की रिपेयरिंग सीखनी है तो सबसे पहली बात, ये 14-15 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं टोटल। अगर मिल मिला के देखा जाए तो 14 तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, स्पीकर, रिंगर, माइक, टच आईसी, इस तरीके से 14-15 कंपोनेंट्स ही पूरे मोबाइल फोन को चलाते हैं। अगर मोबाइल फोन के अंदर कोई भी खराबी या कोई भी कमी आती है तो इन्हीं 14-15 में आती है, इसके अलावा कोई और नहीं आती। तो अगर हमको अच्छी रिपेयरिंग सीखनी है तो ये 14-15 तरह के कंपोनेंट आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, इसी को बोलते हैं बेसिक। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप मोबाइल फोन में जिंदगी में रिपेयरिंग करते रहेंगे लेकिन कभी कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, कभी किसी फॉल्ट को प्रॉपर तरीके से आप ट्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बारे में नॉलेज ही नहीं है। आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं, आप रिपेयरिंग कर किसकी रहे, बोर्ड में सिर्फ क्या काम करते, रिपेयरिंग करने वाले बोर्ड को गर्म कर दिया, ये चीज निकाल दी, वो चीज डाल दी, लेकिन उससे प्रॉपर फिर भी नहीं ठीक होगा। क्यों नहीं ठीक होगा, क्योंकि हमको हर एक चीज का टेस्टिंग पता ही नहीं है। जब तक टेस्टिंग नहीं मालूम होगा हम रिपेयरिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। हम बात कर रहे थे रोजिन पेस्ट को यूज करने के लिए। देखिए रोजिन पेस्ट को यूज कैसे किया जाता है, ये मेरे पास मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को मैं चेक करके दिखाता हूँ। जैसे हम देखेंगे फोन को चेक करेंगे, फोन को चेक करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर को हमने बीप पॉइंट पर सेट किया। कहाँ पर सेट किया, बीप पॉइंट सेट किया। आप लोग क्या जाओ, मल्टीमीटर मल्टीमीटर को हमने बीप पॉइंट पर सेट किया। कहाँ पर सेट किया, बीप पॉइंट पर सेट किया। बीप पॉइंट पर सेट करने के बाद हमने चेक करना, देखिए आपने देखा कि मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट कर लिया, मल्टीमीटर आपका बीप नहीं देगा, पहले से प्रॉपर सेट कर लीजिए। अब देखिए हमने बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, हमने बैटरी कनेक्टर के दोनों पॉइंट को चेक किया। आप इसे चेक करेंगे, सर प्रॉब्लम कर रहा है, ये बीप नहीं दे रहा है, मल्टीमीटर दिक्कत कर रहा है।
मल्टीमीटर जरा दीजिए, उसका प्रोब सही से कनेक्ट नहीं हो रहा, प्रोब को सही से सेट करें पहले। मल्टीमीटर को हमने बीप पॉइंट पे सेट किया, बीप पॉइंट पे सेट करने पर जैसे हमने चेक किया, ये देखिए बीप आ रही। बीप आने का मतलब क्या है, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है, मतलब प्लस माइनस का लाइन आपस में भिड़ गया। अगर मान लिया बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से वैल्यू आती है तो उसे बोलते हैं लीकेज कंडीशन या हाफ शॉर्टिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाफ शॉर्टिंग कह सकते हैं। अगर फोन के अंदर हाफ शॉर्टिंग है तो हाफ शॉर्टिंग को दूर करने के लिए भी आप रोजिन पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप रोजिन पेस्ट का यूज कैसे करेंगे, ये देखिए येलो कलर का पेस्ट होता है, सिर्फ इससे क्या होता है फॉग जमता है। क्या जमता है? फॉग। ये जैसे आप देखेंगे ये बोर्ड इस समय पर पूरा क्लीन है। हम क्या करेंगे, इस रोजिन पेस्ट को लेंगे पूरे बोर्ड में ऐसे लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? ऐसा नहीं होता कि आपने लिया गीला गीला हो गया आपने ऐसे बोल दिया। आपको क्या करना है, ये लेना है आयरन, लेना है आयरन को इस पर लगाना है। आयरन लगाने के बाद क्या होगा, इससे फॉग जम जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ऐसे करेंगे, ये वाइट वाइट कलर की देखो, इसमें फॉग जमने लगती है पूरे बोर्ड में। ये देखिए, दिख रही है? यस सर। आप फॉग आपको सिर्फ वहीं पर लगानी है जहां पर कंपोनेंट लगे हैं, जैसे कंपोनेंट लगने हैं yes, इसी कंपोनेंट के पास में फॉग लगा दीजिए। आपको आयरन थोड़ा सा ऊपर रखना है बोर्ड से, ऐसा नहीं करना कि नीचे लगा देना है। वरना पेस्ट फिर बोर्ड में लग जाएगा, पेस्ट बोर्ड में लग जाएगा तो पत्थर टाइप में हो जाएगा। आपको फिर पेट्रोल से बहुत अच्छे से साफ करना पड़ेगा, थिनर या क्लीनर से साफ करना पड़ेगा। हमने क्या करना है, पूरे पूरे बोर्ड में ऐसे फॉग लगा देनी है। मैंने देखा पूरे बोर्ड में वाइट कलर का फॉग लगा लिया। फॉग लगाने के बाद क्या है, हमको बैटरी लेनी है। जैसे ही हमने बैटरी ली, जैसे हम बैटरी लगाएंगे तो जो कंपोनेंट शॉर्ट होगा क्या होगा, जो कंपोनेंट शॉर्ट होगा, जो कंपोनेंट शॉर्ट होगा उसी कंपोनेंट का कलर चला जाएगा। कलर का मतलब समझ रहे हैं, ये ऊपर जो व्हाइट कलर का दिख रहा है धुआं धुआं जैसा, ये धुआं धुआं गायब हो जाएगा। अगर ये धुआं गायब हो जाए तो समझ लीजिए वहीं पर शॉर्टिंग है। जैसे हमने देखा ये बैटरी कनेक्टर पे हमारी क्या आ रही है, बीप आ रही है, बीप आ रही है। बैटरी कनेक्टर बीप आने का मतलब क्या, इसके अंदर शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग का मतलब ये है कि अब हमको देखना है बैटरी लगाकर ये चेक करना है फॉग कहाँ का जा रहा है, कैसे जाएगा फॉग। हमने हमने क्या किया, देखा सब पूरा बोर्ड वाइट वाइट दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं गया। अब देखना एक बार हम क्या करेंगे, इसको बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगा के बैटरी हटाएंगे, अगर कहीं की भी शॉर्टिंग होगी तो वहाँ का कलर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ का देखो कलर जा रहा है, देखिए ये कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट का धुआं चला गया। क्यों? क्योंकि धुआं तभी जाएगा जब गर्म होगा। जी सर। ये गौर से देखिए, इस कंपोनेंट ने अपना कलर छोड़ दिया, इसने अपना क्या किया, कलर छोड़ दिया, कलर छोड़ दिया। हमने बैटरी लगाई, ये देखिए यहाँ से धुआं निकल रहा है, ये अपना कलर छोड़ दिया, ये देखो ब्लैक कलर का निकल आया। ये रेजिस्टेंस है, हो सकता है रेजिस्टेंस प्लस माइनस ग्राउंड के ट्रैक में लगी हो इसलिए खराब हो गई है। तो खराब होने का मतलब क्या, शॉर्टिंग। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को हटाएंगे। हमने देखा बोर्ड पर चेक किया तो बीप आ रही, यस सर। और इस रेजिस्टेंस को हमारी खराब हुई थी, हमने क्या करना है हटा देना है। हम तो नॉर्मली ऐसे हटा रहे हैं, आपको क्या करना है हॉटगन से हटाना है। ये देखिए
अब आपने देखा इसमें भी नहीं आ रही। तो मतलब हुआ क्या कि जैसे मैंने बैटरी लगाया, तो बैटरी लगाने से क्या है कि जहां पर हमारी सॉर्टिंग थी, तो सॉर्टिंग होने से क्या होता है, वो गर्म होता है, गर्म होने से क्या होता है, वहां का फॉग चला जाएगा, जब फॉग चला जाएगा तो वो इसका कलर छोड़ देगा, व्हाइट कलर की जगह पर ऐसा हो जाएगा लिक्विड लिक्विड टाइप में हो जाएगा। अब हम देखेंगे फोन को चालू करके देखेंगे बोर्ड को, फोन हमारा चालू हो रहा है कि नहीं चालू हो रहा है। अगर नहीं चालू होता है इसका मतलब फोन के अंदर कोई और कमी है, अगर चालू हो जाता है तो सही है। है लेकिन हमारे मोबाइल फोन से फिलहाल सॉर्टिंग हट चुकी है। हो सकता है इसकी बैटरी डाउन हो। देखो ये फोन हमारा चालू हो, इसका मतलब है कि हमारे फोन की सॉर्टिंग क्या हो गई है, हट गई है। तो ये रोजिन पेस्ट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि सिर्फ आपको पूरे बोर्ड में इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार चेक करने के बाद या फॉग लगाने के बाद आप उसकी सॉर्टिंग को आसानी से दूर कर सकते हैं। ठीक है, yes, तो आज जैसे मैंने सीखा किसके बारे में सीखा, रोजिन पेस्ट के बारे में, कि रोजिन पेस्ट के द्वारा जितने भी मोबाइल फोन होते हैं उस मोबाइल फोन के द्वारा हम सॉर्टिंग को दूर कर सकते हैं। आपके पास फोन में सॉर्टिंग दूर करना है चाहे कोई भी चीज़ हो, इस पेस्ट का इस्तेमाल चाहे टीवी वाले हो, कंप्यूटर वाले हो, मोबाइल फोन वाले हो, कोई भी डिपार्टमेंट के किसी भी सेक्शन के लोग हों, बस खाली सॉर्टिंग को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सॉर्टिंग दूर कैसे होती है कि अगर फोन में सॉर्टिंग है, हमने पेस्ट को वाइट वाइट कलर लगा दिया, फॉग जमा दी इसमें, फॉग जमाने के बाद जैसे सप्लाई देंगे तो जहां पर वाइट कलर का फॉग होगा, जहां पर सॉर्टिंग होगी उसी हिस्से का कलर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, कलर चल गया, मतलब वो हिस्सा शॉर्ट है उसी हिस्से में सॉर्टिंग, उस चीज को आप हटा दीजिए बोर्ड से और आपकी सॉर्टिंग दूर हो जाएगी और आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से जितने भी सारे मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन को हम रिपेयर करने का तरीका सीखते हैं। मेरा नाम केशव दीक्षित है, मैं यशोदा नगर कानपुर से आया हूँ। सर के पास मैंने 6 तारीख को जो है एडमिशन लिया था, 20 दिन हो गए हैं। आज जो है सर ने रोजिन पेस्ट के बारे में बताया, जैसे कहा होता है कभी कभी फोन में सॉर्टिंग हो जाता है तो उसको जो है ढूंढने की प्रक्रिया काफ़ी थोड़ा लंबी होती है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए रोजिन पेस्ट से क्या करते हैं कि उसमें पूरे सर्किट बोर्ड में फॉग कर देते हैं। इससे क्या होता है जब बैटरी लगाते हैं तो जिस हिस्से में सॉर्टिंग होती है उस हिस्से का जो कंपोनेंट होता है वो कलर छोड़ देता है, इससे हमको क्या होता है उसकी सॉर्टिंग बारे में पता चल जाता है और हम उस कंपोनेंट हटा देते हैं, जिससे उसके बाद बैटरी लगाने पर फोन ऑन हो जाता है, सॉर्टिंग दूर हो जाती है। और मुझे 20 दिन हो गया यहाँ पर आए हुए, सर काफ़ी अच्छा सिखा रहे हैं, इसमें IC हो गया है, टच हो गया है, कॉम्बो हो गया है, मेरा बेसिक हो गया है, इस समय मेरा ट्रेसिंग चल रहा है सिर्फ 20 दिन में। मेरा नाम है, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से बिनकी का रहने वाला हूँ। सर मैं इस कोचिंग को करीब 18 तारीख से मैंने ज्वाइन किया था, अभी तक सर मैं बेसिक और हार्डवेयर कंप्लीट हो गया, IC भी काम कर रहा हूँ, IC भी कॉलिंग भी। सर अभी जो बताया मोबाइल में सॉर्टिंग हो जाती है तो उसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, हमने रोजिन पेस्ट से और इसके आयरन से हमने रिंकिंग देना है जिसमें वाइट कलर का आ जाता है निशान, अगर और जब बैटरी को लगाते हैं तो उसमें कंपोनेंट कलर छोड़ देता है जिससे उसे सॉर्टिंग चली जाती है और दोबारा बैटरी ऑन कर लगाने पर सेट ऑन हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम टिंकू प्रजापति है, मैं बाटपारानी क्षेत्र के देवरिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। दोस्तों मैं इस टाइम 283 नियर शनिदेव मंदिर चौराहा सागर मार्केट कानपुर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे को यहाँ आए हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं, यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग प्लस लैपटॉप रिपेयरिंग का पूरा फुल कोर्स सिखाया और कराया जाता है। दोस्तों मेरे को आए हुए यहाँ 1 महीने हो चुके हैं लगभग, यहाँ बेसिक से लेकर IC रिवॉल्विंग तक का पूरा काम मैं सीख चुका हूँ और बहुत ही जल्द यहाँ से सीख के मैं जाने वाला हूँ। आज आप सभी के भी सर ने अभी रोजिन पेस्ट के बारे में बताया जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया है। और दोस्तों ये बात सर बोले या ना बोले लेकिन मैं तो अपने अनुभव और विश्वास के साथ ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी
मतलब स्टूडेंट आए जो कि मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहता है, भले वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन यहाँ से एक से डेढ़ महीने के अंदर दोस्तों अगर उसके अंदर मोबाइल रिपेयरिंग सीखने की इच्छा है तो मैं एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ से एक से डेढ़ महीने के अंदर वो मोबाइल रिपेयरिंग सीख के जा सकता है। कोई भी वो बंदा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, यहाँ से रहने की सुविधा, होटल की सुविधा बहुत ही अच्छी है और मैं बहुत यहाँ पे खुश हूँ। एक महीने के अंदर मैंने बहुत सारा अचीवमेंट किया, लगभग मेरा पूरा मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स ख़त्म हो चुका है। और अभी रोजिंग पेस्ट के बारे में सर बताया, मैंने सीखा बहुत अच्छी तरीके से, लास्ट में यही बोलूँगा सभी थैंक यू फ्रेंड। दोस्तों मेरा नाम अमन कुशवाहा है, मैं जीने कानपुर देहात से आया हूँ। मैं यहाँ पर राघवेंद्र सर के यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ईटेक नाम है यहाँ का इंस्टीट्यूट का। और मैं यहाँ पर लगभग 40 दिन हो गए मुझे यहाँ सीखते हुए। मुझे यहाँ हार्ड ट्रेसिंग और बेसिक वगैरह और सॉफ्टवेयर वगैरह सीख चुका हूँ, और सर ने आज बताया मुझे रोजिन पेस्ट के बारे में, और यहाँ पर अच्छी सुविधा दी है हर एक हॉस्टल की भी, और यहाँ पर रहने के लिए। और यहाँ पर लगभग 40 से 45 दिन में मैं सीख के यहाँ जा सकता हूँ। और अभी सर सॉफ्टवेयर की क्लास मुझे सिखा रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, और बेसिक से और जो हार्डवेयर मेरा है पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस मुझे ट्रेसिंग और उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, वो सर से मैं डिस्कस करूँगा। और मैं यहाँ सीख के लगभग 25 से 30 हज़ार महीने कमा सकते हैं, इतना सर ने मुझे बढ़ा दिया है। बस कि आप लोगों ने देखा कि आज रोजिन पेस्ट के बारे में सीखा, तो जो भी सारे स्टूडेंट मेरे पास जैसे सीखने के लिए आते हैं, जितने भी सारे टोटल ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी स्टूडेंट आ सकता है, वो सीख करके मेरे से जा सकता है। और सीखने का क्या है कि ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन नहीं दुनिया जानता जो इसमें मोबाइल फ़ोन जुड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है मोबाइल फ़ोन लैपटॉप या उस शब्द से जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर कोई भी कमी आती है उस कमी को सिखाने का तरीका जो है वो हम आपको पूरा कंप्लीट सिखाया जाता है यहाँ पर। और मेरा ये मानना है कि मेरे पास जो कोर्स है ना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का, वो पूरा कंप्लीट कोर्स है। जैसे क्या है कि आपके पास जो मोबाइल फ़ोन आते हैं ना ठीक होने के लिए, तो एक कस्टमर मोबाइल फ़ोन लेके आता है, कस्टमर ये लेकर के आता है कि ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही है, डिस्प्ले नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, सिम खराब हो गया है, ये सेट डेट हो गया है, शॉर्टिंग हो गई है, फ़ोन के अंदर पैटर्न लॉक लग गया है, FRP लॉक लग गया है, या मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो सारी प्रॉब्लम को रिपेयर करने का जो सिस्टम है तरीका एक है। मेरे पास जो कोर्स है ना वो एक कोर्स है कि मतलब एक कोर्स के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट रिपेयरिंग सिखाता हूँ। ऐसा मेरे पास कोई कोर्स नहीं है कि मेरे पास EMC का कोई कोर्स अलग से बना हो, OC लेवल का कोई कोर्स अलग बना हो, मोबाइल फ़ोन का बेसिक फ़ोन का रिपेयरिंग का कोई कोर्स अलग बना हो। अरे जब हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीख ही रहे हैं तो कोर्स ही एक है, हम यहाँ पर पूरा सीखने आए हैं, पूरे का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन है जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई कमी ना हो, मैं पूरा सीखने आए, ऐसा कोई कहानी नहीं सुनने आए कि ये होगा वो होगा वो दुनिया भर की बातें, एक पूरा कंप्लीट कोर्स है। पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर सारे मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना आप सीख करके जाएंगे। इसलिए क्या है, आप अपने दिमाग से ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल हटा दीजिए, आपको सिर्फ ये सीख करके जाना है कि मुझे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखना है, ना कि मुझे EMC का कोर्स सीखना है, मुझे हार्डवेयर का कोर्स सीखना है, मुझे सॉफ्टवेयर का कोर्स सीखना है। क्योंकि ये तीनों कोर्स जो अलग अलग बने हुए ना, ये लोगों ने मार्केटिंग के लिए बना रखे हैं, लेकिन वैसे जो कोर्स है वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का है। इसका कोर्स है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का, तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का एक कोर्स है और हमें पूरा एक कंप्लीट तरीके से कोर्स सीख करके जाना है। आप जितने भी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मेरी जिम्मेदारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरा कंप्लीटली सिखा करके भेजना, और आप जिस काम के लिए आते हैं पूरा करके जाते हैं, ताकि हम भी ये काम आता तुम्हें, जब कोई काम करके दोगे तभी आपको उसके बदले पैसे देगा, अगर बिना काम करे पैसे देगा ना तो वो तो चपरासी को भी मिल जाते हैं, स्वीपर को भी मिल जाते हैं, सिर्फ उसे क्या करना है, साफ सफाई तो करनी है। अगर हमारे अंदर कुछ टैलेंट होता है तो हम अपनी ईमानदारी का पैसा लेते हैं, अपने काम का लूंगा, कस्टमर हो सकता है वापस चला जाए, लेकिन ऐसा भी आ सकता है जो फोन कहीं ना बन रहा हो 300 रुपये से वापस आया हो, अगर आप उसको 200 रुपये बोलते तो आपको 200 रुपये देगा, लेकिन बसरते आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको फोन करके ठीक करके देना है, और ठीक करके देना है तो फिर आपको पैसे मिले। तो ये हमारा लाइन किसका रहता है, सर्विस का रहता है, ताकि हमें कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को ठीक करके देंगे और उतना ज़्यादा हमारी इनकम होगी। इसके अंदर बहुत सारी कंपनियाँ हैं,
ये टेलीकॉम सेक्टर में आता है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आता है कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या आपकी ओप्पो, वीवो, एमआई, सैमसंग, बहुत सारी कंपनियां हैं। मुझे नहीं लगता कि इस समय पर प्रेजेंट टाइम पर टेलीकॉम सेक्टर से बड़ा कोई सेक्टर होगा या ऐसा कोई आदमी नहीं जिस आदमी को इसकी जरूरत ना हो। हर एक आदमी को मोबाइल फोन की जरूरत है, हर एक पर्सन को मोबाइल फोन जरूरत है। तो जाहिर सी बात है मोबाइल फोन के अंदर कमी आएंगी, खराबी आएंगी, तो लोग उसे ठीक करवाएंगे। जब ठीक करवाएंगे तो वो आपके पास आएंगे, आप लोग जो सर्विस सीख रहे हो, टेक्नीशियन लोग होते हैं, आपके पास फोन आएंगे, आप उन्हें ठीक करेंगे, आप उसके बदले क्या मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे या किसी कंपनी में आपको जॉब मिलेंगे। तो इस तरीके से बाकी अपना पूरा सिखाने का जो तरीका रहता है पूरा प्रैक्टिकली रहता है कि प्रैक्टिकल तरीके से सारी चीजें आप अच्छे से सीख करके जाएंगे। इसी के साथ में मैं आपको वीडियो को खत्म करता हूँ। गुड नाइट।